अजूर फंडामेंटल सीरीज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अजूर की वॉल्ट्स। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, उसको समझने के बाद आपको अजूर की वॉल्ट क्लियर हो जाएगा। जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे काम करते हो तो उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, तो वहाँ पे की वैल्यू पेयर होता है, मीन्स एक कनेक्शन स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू है, इस तरह से कुछ और कीज़ है, कुछ कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो एक तरह से देखा जाए तो वो हार्ड कोडेड है। अब मैं चाहता हूँ कि उस फाइल को मैं और ज़्यादा सिक्योर बनाऊँ, तो इन वैल्यूज़ को मैं किसी ऐसे सर्वर पर रख देता हूँ जहाँ पे वो सिक्योर है, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि उस पर कोई रोल बेस्ड एक्सेस नहीं दिया हुआ हो। इन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को जो कि की वैल्यू पेयर है या फिर जो वैल्यूज़ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डिफाइन की हुई है, उन वैल्यूज़ को सेंट्रलाइज सर्वर से रीड करता है, तो इस सेंस में एप्लीकेशन और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से लीक नहीं हो सकती एप्लीकेशन लेवल पर। यदि कोई थ्रेट एप्लीकेशन पे आती है तो उसमें की एक्सेस होती है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो एक्सेस नहीं हो सकती। तो इस तरह से एजोर की वॉल्ट एक क्लाउड सर्विस है जो कि यूज़ की जाती है टू मैनेज कीज, सीक्रेट्स एंड सर्टिफिकेट्स। की वॉल्ट हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉडल्स को यूज़ करता है टू स्टोर सीक्रेट्स एंड कीज़। हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉडल एक तरह से फिजिकल सर्वर है जहाँ पे अजूर कीज वॉल्ट सर्विस आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है। तो HSM के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में इसके बारे में क्वेश्चंस है, स्टोर के लिए कौन सा मॉडल यूज़ करता है। तो आप तो उसका आंसर ये कि हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉडल्स और HSM। अजूर की वॉल्ट में सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसका लॉग मेंटेन होता है, मीन्स की को किसने कब एक्सेस किया, तो एक कंप्लीट ऑडिट ट्रेल आपको मिल सकती है। अजूर की वॉल्ट किस तरह की कीज को स्टोर कर सकता है, उनमें है क्रिप्टोग्राफिक की एंड सीक्रेट्स, सर्टिफिकेट्स एंड अजूर स्टोरेज अकाउंट कीज। क्रिप्टोग्राफिक कीज सपोर्ट मल्टीपल कीज टाइप्स एंड एल्गोरिदम्स। जब आपको इंक्रिप्शन करना हो, डिक्रिप्शन करना हो या फिर ऑथेंटिकेशन करना हो, तो इन सब प्रोसेस के लिए की जनरेट कर सकते हैं। सीक्रेट्स में पासवर्ड एंड डेटा कनेक्शन स्ट्रिंग्स, एंड उसके अलावा सर्टिफिकेट्स जो कि स्टोर किए जा सकते हैं, एंड अजोर स्टोरेज अकाउंट कीज। जब भी आप स्टोरेज अकाउंट बनाते हो एक कीज जनरेट होती है, तो वो भी यहीं पे स्टोर होती है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिप्टोग्राफिक कीज। सपोर्ट मल्टीपल कीज टाइप्स एंड एल्गोरिदम्स, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन। तो हम क्रिप्टोग्राफिक कीज बना के देखते हैं। तो आपको पोर्टल में जाना पड़ेगा एंड कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा, तो आपको कीवर्ड मिल जाता है एंड क्रिएट पे क्लिक कीजिए। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इनपुट करना है, सब्सक्रिप्शन एंड रिसोर्सेज ग्रुप, की नेम दे देना है आपको, और रीजन उसका सेलेक्ट करना है कौन से रीजन में, इंडिया इंडिया में। की वॉल्ट मैंने नेम दे दिया है कैसी की वॉल्ट्स, एंड उसके अलावा प्राइजिंग टियर कौन सा रखना है, स्टैंडर्ड प्रीमियम दो दो तरह का होता है, तो हम स्टैंडर्ड रखते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है सॉफ्ट डिलीट जो कि अनेबल रहता है। यदि आप की को डिलीट कर देते हो और उसको आप रिकवर करना चाहते हो, तो विदिन 90 डेज में आप उसको रिकवर कर सकते हो। इसको आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, 90 डेज दिया हुआ है डिफॉल्ट। नेक्स्ट है पर्ज प्रोटेक्शन जो कि डिफॉल्ट डिसेबल्ड है, तो यहाँ पे इसको हम यदि पर्ज करना चाहें तो पर्ज कर सकते हैं। पर्ज करने के बाद अब फिर उसको हम रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन जो मैंडेटरी रिटेंशन पीरियड है उसको हम अनेबल रखना चाहते हैं, मीन्स यदि कोई डिलीट करने के बाद जो डिलीटेड कीज है उसको भी पर्ज करना चाहे तो उसको नहीं कर पाएगा, तो आप उसको अनेबल भी कर सकते हो यदि इस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो इस की वॉल्ट पे परमिशन किस तरह की रखनी है वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि अजूर की पॉलिसी रखनी है जो कि डिफॉल्ट है, या फिर अजूर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल रखना है। तो अभी हम इसको वॉल्ट एक्सेस पॉलिसी जो डिफॉल्ट है वही रख देते हैं। तो जब इसको सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, एंड नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में हम डिफॉल्ट रखते हैं, टेक्स्ट को स्किप करते हैं, रिव्यू एंड क्रिएट, एंड क्रिएट इनिशियलाइज डिप्लॉयमेंट, उसके बाद ये क्रिएट हो जाती है, गो टू रिसोर्स, एंड यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अभी ये अजर की वॉल्ट सर्विस क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे तो कीज़ है, सीक्रेट्स है एंड सर्टिफिकेट्स है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, एंड यहाँ पे कीज़ आप देखते हो सीक्रेट्स है एंड सर्टिफिकेट है, इन तीनों को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कीज को क्रिएट करते हैं, क्रिएट ए की, जनरेट नेम, नेम देना है एंड की
की टाइप आर एस ए ई सी ए, इनमें से कौन सा आप सिलेक्ट करना चाहते हो जो कि की का टाइप हो सकता है, एंड आर एस ए की साइज क्या रखना है वो डिफाइंड है, एक्टिवेशन डेट भी आप डिफाइन कर सकते हो एंड एक्सपायरेशन डेट कि इस की को हम कब एक्सपायर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस में जनरेट के अलावा इम्पोर्ट भी है। इम्पोर्ट में क्या होता है, आप किस कोई प्री डिफाइंड की को ब्राउज कर सकते हो, सेलेक्ट करना, क्लिक करना है, एंड इसका जो एक्सटेंशन है वो PEM है जो ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई थी, इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेस हो चुकी है। इसके अलावा है सेट की रोटेशन पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि इस की वैल्यू को जो कि जनरेट होगी कितने दिन बाद एक्सपायर कर सकते हैं, इस की वैल्यू को हम कितने दिन बाद रोटेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिफाइंड है 18 मंथ्स। यहाँ तो हमारे पास डे का ऑप्शंस भी है, आवर्स का ऑप्शन भी है, एंड एक्सपायरी टाइम इसको कितने दिन बाद एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो रोटेशन पॉलिसी वही है जिस जहाँ पे हम उसकी एक्सपायरी डेट को या फिर उसकी वैल्यू को कब हमें रोटेट करना है। इसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये क्रिएट हो जाती है। तो इस की को हम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने डिफाइन किया हुआ था। किस पे जाते हैं तो ये हमें एक करंट वर्जन मिलता है जो कि एनेबल्ड है। इस की के अंदर जाते हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, एक्टिवेशन डेट एंड एक्सपायरेशन डेट एंड परमिटेड ऑपरेशन से एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो कि हम चेंज कर सकते हैं। की आइडेंटिफाई यूआरएल को हम कॉपी कर सकते हैं जो कि यूज होगा आपके प्रोग्राम में या फिर जहां भी आप इसको यूज करना चाहते हो। तो इस तरह से क्रिप्टोग्राफिक की जनरेट होती है जो कि एजोर की वॉल्ट में स्टोर है। अब जिसको हम जहां भी यूज करना चाहते हैं वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। यहां पे आप देखोगे तो इसमें डाउनलोड पब्लिक की है, इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है तो फाइल डाउनलोड होके आ जाती है। इस पर आप देखोगे तो एक पब्लिक की जो आपको इस तरह से दिखती है जो कि एनक्रिप्टेड है। तो इस तरह से पब्लिक की हम जनरेट कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं अजोर की वॉल्ट में। इसके अलावा है सीक्रेट्स, प्रोवाइड सिक्योर स्टोरेज ऑफ सीक्रेट्स जैसे कि पासवर्ड या फिर डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग है तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ऑप्शंस देखा था की के बाद सीक्रेट्स पे क्लिक करते हैं तो अपलोड ऑप्शंस में मैनुअल है, यहाँ पे उसका नाम देंगे एंड जो वैल्यू आप रखना चाहते हो या वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। सीक्रेट में जो मैंने वैल्यू डाली है वो ABC123 है एंड यहाँ पे इसका एक्टिवेशन डेट एंड एक्सपायरेशन डेट भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अपलोड ऑप्शंस में मैनुअल है लेकिन यहाँ पे आप देखोगे सर्टिफिकेट भी है। सर्टिफिकेट पे अभी हम क्लिक करते हैं तो ये एक तरह से डेप्रिकेटेड है, दिस फीचर हैज़ बीन डेप्रिकेटेड, क्लिक हियर टू गो टू योर लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड इम्पोर्ट अ न्यू सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट के लिए एक नया ऑप्शन अजोर ने बना दिया है जो कि अभी हमने देखा था, इसको हम मैनुअली कर लेते हैं एंड क्रिएट करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो एक क्रिएट हो जाता है एंड इस पे जब हम जाते हैं तो एक वर्जन यहाँ पे मिल जाता है। सीक्रेट पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें सीक्रेट वैल्यू मिल जाती है। यदि आप वैल्यू देखना चाहते हैं क्या वैल्यू है तो आप कॉपी कर सकते हो एंड इसको नोटपैड में डालोगे तो आपको वैल्यू दिख जाती है ABC123, और आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मैं उसका नया वैल्यू डालूँ तो न्यू पे क्लिक करना आपको, न्यू वर्जन पे, तो यहाँ पे सीक्रेट वैल्यू चेंज करूंगा एंड क्रिएट करूंगा तो एक नया वर्जन क्रिएट हो जाता है। तो ये एक नया वर्जन क्रिएट हो चुका है यहाँ पे दो टाइम, लेकिन ये सेम ही है, नॉट श्योर, लेकिन ये एक ही वैल्यू है। अब हम देखते हैं सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं एंड जनरेट इम्पोर्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे हम जनरेट करना है या इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट नाम देना है एंड टाइप ऑफ द सर्टिफिकेट अथॉरिटी, तो ये है सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड सर्टिफिकेट इशूड बाई ए इंटीग्रेटेड CA एंड सर्टिफिकेट इशूड बाई ए नॉन इंटीग्रेटेड CA। तो फिलहाल मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैं सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, CN=SingletonInfoSoft.com, वैलिडिटी पीरियड 12 मंथ्स एंड कंटेंट टाइप PEM एंड बाकी वैल्यू मैं सेम ही रखता हूँ एंड क्रिएट। तो इस तरह से एक सर्टिफिकेट क्रिएट हो जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं अजोर की वॉल्ट, अजोर स्टोरेज अकाउंट कीज, कैन मैनेज कीज ऑफ एन अजोर स्टोरेज। जब भी आप एक अजोर स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हो तो एक की जनरेट होती है। एक स्टोरेज अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी है तो वो देखते हैं।
यहाँ पे आप देखोगे कैसी स्टोरेज अकाउंट, जो कि स्टोरेज अकाउंट है, उसमें हम देखते हैं सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग में एक्सेस कीज़। तो यहाँ पे आपको दो कीज़ मिलती है, की वन एंड की टू। तो ये जो वैल्यू है तो वही एक्सेस कीज़ है, टू डिफरेंट कीज़ यहाँ पे आपको मिलती है। एक कंप्लीट स्ट्रिंग भी है एंड की, यदि सेपरेट की आप चाहते हो तो सेपरेट की भी है। तो इस तरह से हम क्रिप्टोग्राफिक कीज़ को, या फिर सीक्रेट्स को, सर्टिफिकेट को एंड स्टोरेज की को अजोर की वॉल्ट में क्रिएट एंड मैनेज कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप डालिए। तो अभी के लिए धन्यवाद।